न्यूज, खबरों की नई पहचान। धनबाद एसडीएम आवास के निकट नगर पालिका विद्यालय हीरापुर के डीटीओ ओम प्रकाश यादव की मौजूदगी में विशेष रैपिड एंटीजन किट से कोरोना जांच शिविर। वैसे लोगों का भी कराया जा रहा है कोरोना जांच, जो ट्रैफिक नियमों की अवहेलना कर वाहन चलाते पकड़े जा रहे हैं। अब तक 170 लोगों की हो चुकी है कोरोना जांच, जिसमें एक शख्स पाया गया है पॉजिटिव। ट्रैफिक पुलिस से उलझने वालों से लिया जा रहा है फाइन। कोरोना जांच कराने के डर से हटिया के दुकानदार दुकान बंद कर हुए फरार। आज जो विशेष अभियान चलाया जा रहा है, क्या टारगेट है और इसके अलावा रोड पर भी जो लोग अव्यवस्थित तरीके से चल रहे हैं, उन पर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? देखिए, आज ये स्पेशल कैंप हम लोग कोरोना टेस्ट के लिए लगाए हुए हैं माननीय उपायुक्त महोदय के दिशा निर्देश में, जिसमें टारगेट मिनिमम 600 है, मैक्सिमम कुछ भी हम लोग जितना ज़्यादा कर सकें। चूँकि ये हीरापुर का जो इलाका है बहुत डेंस इलाका है, बहुत सारे मार्केट्स हैं, दुकान्स हैं, तो उन सभी लोगों को हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग अपने स्टाफ के साथ आइए और सबको टेस्ट कराइए, जिससे कि संक्रमण का जो दर है उसको हम लोग रोक सकें। इसके अलावा हमने ट्रैफिक पुलिस को भी यहाँ पे लगा रखा है, खुद मैं यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहा हूँ कि जो लोग विदाउट मास्क या सोशल डिस्टेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं या विदाउट हेलमेट चल रहे हैं, उनको भी ये समझाया जा रहा है कि आप इस तरह से ना करें और संक्रमण को फैलने में आप सहयोगी न बने, और यदि वो नहीं मान रहे तो उनसे फाइन भी वसूली।